हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी हियर। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही ट्राई किया था। जो प्रोडक्ट है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उस ब्रांड से। सो मैं अमेजोन पर ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट्स ढूंढ रही थी एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं इनकी ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू एवरीथिंग आई लाइक और डिसलाइक अबाउट दी प्रोडक्ट। और मैं ऐसे न्यू ब्रांड से प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से ब्रांड कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। एंड मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये है हैप्पियर ब्रांड से, आप देख सकते हो। एंड फर्स्ट टाइम होगा जब मैं इनके कोई प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ एंड मैं आपको इसकी बेसिक डिटेल्स बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, की एक सनस्क्रीन है विच इज़ SPF 40 PA++, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एंड ये 50 ml का है एंड इसकी प्राइस है 595 rupees। एंड गाइज, ये जो ब्रांड है इनके प्रोडक्ट्स पीटा सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इनके प्रोडक्ट्स में सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल या फिर ऐसे कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है। फर्स्ट थिंग इज, ये टोटली सेफ है आपके यूज़ करने के लिए। एंड ये जो सनस्क्रीन है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। ये आपको ऐसी बॉटल पैकेजिंग में मिलेगा और यहाँ पर आपको पंप मिल जाएगा जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो सनस्क्रीन। सो लेट मी रीड फ्यू इन्ग्रीडियंट्स फॉर यू। सो दिस कंटेन सुपर इन्ग्रीडियंट्स लाइक ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, गोजी बेरी, मलबेरी एंड हाइलुरोनिक एसिड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्लूबेरी है जो कि विटामिन में बहुत रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में भी। एंड ब्लूबेरी हमारे स्किन में कोलाजिन को बूस्ट करता है। एंड दिस कंटेन स्ट्रॉबेरी विच हैज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। एंड हमारे फेस पे जो सन बर्न हो जाते हैं या फिर यूवी रेज से जो हमारे स्किन को डैमेज होता है, ये उसको सूद करने में और रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। एंड ये आपकी एजिंग को भी डीले करता है। एंड दिस कंटेन रसबेरी विच इज़ लोडेड विद विटामिन सी एंड दिस कंटेन गोजी बेरी विच हेल्प्स टू इवन आउट अवर स्किन टोन। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो एंड अंडर मेकअप भी लगा सकते हो। ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज बहुत ही लाइट वेट कंसिस्टेंसी, क्रीमी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, बहुत ही लाइट वेट है। एंड जब आप इसको अपनी स्किन पर ब्लेंड करोगे तो आपके स्किन पर कोई भी ऐसा व्हाइट कास्ट लीव नहीं करती है। तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पर ब्लेंड भी हो जाएगी और कोई भी ऐसा व्हाइट कास्ट लीव नहीं करेगी। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाती है ज़्यादा एंड आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करेगी। सो आप इसको लगा सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको रीअप्लाई करो every 3 to 4 hours, जिससे कि आपको सनस्क्रीन का मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता रहे। सो गाइज, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो मैं इसको ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अपने स्किन केयर करते टाइम, बट मैं आपको इसको अपने मेकअप के ऊपर से लगा के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कितनी इजीली आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाता है और आपका मेकअप बेस बिल्कुल भी रुइन नहीं करता है। बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई मस्ट से दैट मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन से लिया, मैंने फर्स्ट टाइम इनके ब्रांड से कुछ ट्राई किया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स एंड टेक्सचर की तो वो भी बहुत सही है। मतलब कोई सनस्क्रीन आपको इतने बेस्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं, वो बस बेसिक सनस्क्रीन का काम करती है। दिस सनस्क्रीन इज समथिंग डिफरेंट एंड आई टोटली लाइक दिस थिंग। अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो मेक श्योर कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, उसमें मैंने सारी ही डिटेल्स मेंशन कर दी है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। So guys, that's it for today. See you all in next video. Until then, bye guys.